सीरिया और तुर्की में जारी तनातनी के बीच अलेपो में एक सरकारी हेलीकॉप्टर को रॉकेट के जरिए गिरा दिया गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि तुर्की के समर्थन वाले विद्रोहियों ने इस घटना को अंजाम दिया। जिसने हवा में हेलीकॉप्टर पर रॉकेट से हमला कर दिया और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो आसमान से जमीन पर गिरने लगा। बताया गया कि हेलीकॉप्टर में दो लोग सवार थे जो इस हमले में मारे गए। जिस जगह हेलीकॉप्टर का मलबा गिरा वहां लोगों की भीड़ जुट गई। जमीन पर गिरने के बाद भी काफी देर तक उसमें आग की लपटें उठती रहीं। लेकिन जैसे ही आग बुझ गई, आसपास के लोगों में मलबे से सामान उठाने की होड़ मच गई। जिसे जो कुछ हाथ लगा वो उसे उठाकर ले जाने लगा। कुछ लोग एक बाइक पर मलबे से निकाला हुआ लोहा ले जाते नजर आए, वहीं कुछ बच्चे भी मलबे से सामान उठाते दिखाई दिए। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में सरकार विरोधी प्रदर्शन के 120 दिन पूरे होने पर एक बार फिर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरा और प्रदर्शन के दौरान एक मकान में आग लगा दी, जिन्हें पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां हालात और बिगड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। लेकिन प्रदर्शन करने वाले लोग शांत होने के बजाय और भड़क गए। उन्होंने सड़कों पर लगे बैरिकेड में आग लगा दी। लोगों का हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस वालों ने उन पर पानी की बौछार की। इससे पहले कई प्रदर्शनकारी वहां हाथों में पोस्टर लेकर विरोध करने पहुंचे, जिन्होंने पुलिस वालों पर पथराव भी किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों से झड़प में कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में ऊंटों की शादी रचाई गई, जिसे देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुटी। चिड़ियाघर के प्रबंधन ने बताया कि जिसके लिए शादी का मकसद वहां रहने वाले जानवरों के लिए अपने प्यार को जाहिर करना था। जिसके लिए वहां वैलेंटाइंस डे के मौके पर एक खास कार्यक्रम किया गया और चिड़ियाघर में रह रहे एक नर और मादा ऊंट की शादी की गई। कई लोग इस अनोखी शादी का वीडियो भी बनाते दिखे। शादी से पहले दोनों ऊंटों को किसी दूल्हे और दुल्हन की तरह ही सजाया गया, जिसके बाद उन्हें एक मैदान में लाकर शादी की रस्में निभाई गईं। दोनों के लिए एक दिल के आकार का केक भी तैयार किया गया। इस शादी के कई लोग गवाह बने, जिन्होंने बाद में ऊंटों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। Bueno, el día de hoy a propósito de San Valentín, lo que hemos visto en el zoológico de Huachipa es la unión simbólica de dos camellos. कोरोना वायरस की मार झेल रहे चीन के वुहान में कई जरूरी काम रोबोट के हवाले कर दिए गए। वहां कोरोना वायरस की चपेट में आने के डर से लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। ऐसे में जरूरी कामों के लिए वहां रोबोट की मदद ली जा रही है। ये रोबोट वहां बिजली सप्लाई की निगरानी जैसे जरूरी काम करते नजर आए। खास तरह के ये रोबोट इंफ्रारेड कैमरे और कई तरह के सेंसर से लैस हैं, जो किसी भी तरह की गड़बड़ी को पकड़कर अलर्ट भेज सकते हैं। 24 घंटे काम कर सकने वाले ये रोबोट कर्मचारियों के लिए काफी मददगार साबित हुए हैं। एयरपोर्ट और भीड़भाड़ वाली जगहों पर निगरानी का जिम्मा भी रोबोट को सौंपा गया है। ये रोबोट लोगों को सावधान करने के साथ उनकी सेहत की भी निगरानी करते नजर आए। अस्पतालों में भी कई तरह के रोबोट काम करते नजर आए। ये रोबोट साफ सफाई करने के साथ मरीजों तक दवाएं पहुंचाने का काम भी करते दिखे। कोरोना वायरस के डर से ज्यादातर लोग घरों में ही कैद हैं। ऐसे में उन तक जरूरी सामान और राशन पहुंचाने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस मशीनों की मदद ली जा रही है। पहियों पर चलने वाले ये रोबोट लोगों तक उनका सामान पहुंचाते दिखे। दिल्ली के पास गाजियाबाद में छात्रों के दो गुटों में बीच सड़क पर जमकर झड़प हुई। बताया गया कि इन छात्रों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया था, जिसके बाद उन्होंने सड़क पर ही हंगामा शुरू कर दिया और एक दूसरे से मारपीट करने लगे। करीब 8 से 10 छात्रों में सड़क पर काफी देर तक गुत्थम गुत्था होती रही। इस दौरान आसपास के कुछ लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और एक दूसरे पर जमकर थप्पड़ घूंसे बरसाए। हालांकि बाद में लोगों ने उन्हें किसी तरह अलग कर दिया, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। बेंगलुरु में पुलिस ने पूर्व सीएम सिद्धारमैया समेत कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर पुलिस का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और बीदर में एक स्कूल के हेडमास्टर और एक छात्रा की मां के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसके तहत पूर्व सीएम सिद्धारमैया की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम के सरकारी निवास की ओर मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि पहले से मुस्तैद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया, जिससे नाराज होकर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए।
इसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग पर चढ़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नीचे उतारकर हिरासत में लेना शुरू कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं को भी हिरासत में ले लिया। बिहार के नालंदा में गांव की सड़क पर दीवार बनाने के खिलाफ गांव वालों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बताया गया कि क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए गांव वालों ने रास्ता छोड़ने की शर्त पर अपनी जमीनें सरकार को दे दी थी, लेकिन गांव की सड़क पर भी दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया गया, जिस पर गुस्साए लोगों ने आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने हाथों में कई पोस्टर ले रखे थे, जबकि कुछ लोगों के हाथों में डंडे भी थे। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए लोगों ने खूब नारे लगाए। गांव वालों के मुताबिक सरकार ने उनसे जमीन के बदले नौकरी देने का भी वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। लेकिन अब जबरदस्ती ले रहे हैं। इसके साथ ही गांव वालों ने अपनी मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन को जारी रखने की बात कही। जयपुर के इंदिरा बाजार में पटाखों की एक दुकान में आग लग गई। बताया गया कि पहले दुकान में रखे पटाखों में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद दुकान आग की लपटों में घिर गई। पटाखों की वजह से आग आसपास और सामने की कई दुकानों में फैल गई। ये आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊपर तक उठ रही थी और आग से निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कई लोग इस घटना का वीडियो भी बनाते दिखाई दिए। हादसे के वक्त दुकानों में कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिए विवाद से विश्वास नाम की स्कीम का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया और पिछले हफ्ते लोकसभा में पेश हुए डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल में संशोधनों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, जिसके तहत 31 मार्च 2020 तक जो लोग इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी विवादित रकम जमा कराएंगे उनसे जुर्माना और ब्याज नहीं वसूला जाएगा। हालांकि ये योजना 30 जून 2020 तक खुली रहेगी, लेकिन जो 31 मार्च के बाद विवादित टैक्स की राशि जमा कराएंगे उन्हें 10% ज्यादा रकम चुकानी होगी। इसका फायदा वो सभी लोग उठा सकते हैं जिनका इनकम टैक्स से जुड़ा विवाद 31 जनवरी 2020 से पहले ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके तहत इनकम टैक्स से जुड़े सभी विवादों का निपटारा किया जा सकता है, जिसमें नोटबंदी की वजह से आए मामले भी शामिल हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तेल कंपनियों ने हाल ही में बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम करीब 150 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने एलपीजी सिलेंडर के साथ मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ता कई पोस्टर लेकर चल रहे थे, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी के झंडे भी थे। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कई इलाकों से मार्च निकालने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर जमीन पर बैठ गए। Where is the Achcha Din and what Narendra Modi ji is doing for the nation and what he is saying for the women of this country? Everyone is crying. कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कई महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं। मुंबई में ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से बुजुर्ग की जान बच गई। मुंबई में पटरी पार कर रहे एक बुजुर्ग को देख ड्राइवर ने लोकल ट्रेन रोक दी। मेघालय के शिलोंग में 3 फरवरी से भारत और बांग्लादेश का संयुक्त युद्धाभ्यास आज खत्म हो जाएगा। 24 और 25 फरवरी के डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले अमेरिका का डेलीगेशन अहमदाबाद पहुंच गया। यूपी के महोबा में गुजरात पुलिस ने साइबर ठग के घर छापेमारी कर करीब 40 लाख रुपए बरामद किए, लेकिन सभी आरोपी फरार हो गए। यूपी के पीलीभीत में एक बस बेकाबू होकर पलट गई, हादसे में 50 लोग घायल हो गए। यूपी के उन्नाव में 2 ट्रक जलकर बर्बाद हो गए। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ट्रक में कोई मौजूद नहीं था। अमेरिका में होने वाले चुनाव से पहले भारत दौरे पर आ रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद में तैयारियां तेज कर दी गईं। 24 फरवरी से शुरू होने वाले 2 दिन के इस दौरे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली के अलावा अहमदाबाद भी जाएंगे, जहां वो हाउडी मोदी की तर्ज पर केमछो ट्रंप नाम के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अहमदाबाद में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं।
एयरपोर्ट से स्टेडियम तक जाने वाली सड़क को साफ सुथरा बनाने के लिए कई मजदूर काम में जुटे हुए हैं, जबकि सड़कों के किनारे फुटपाथ बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। जिस स्टेडियम में ट्रंप का कार्यक्रम होना है वहां भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यहां पर जो तैयारियां की जा रही है वो अंतिम दौर पर है। अब तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि यह अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम की तस्वीरें। यहां पर अंदर की जो पूरी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से पूरी हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और इस दौरे से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जताई। जबकि पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और अपने भारत दौरे पर खुशी जताई। I just spoke with Prime Minister Modi. He's a friend of mine. He's a great gentleman, and I look forward to going to India because he thinks we'll have 5 to 7 million people just from the airport to the new stadium. अपने दौरे में डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद के मोटेरा में बने सरदार पटेल स्टेडियम का भी उद्घाटन करेंगे। इसी स्टेडियम में केमछो ट्रंप कार्यक्रम भी होगा। बताया गया कि ये क्रिकेट स्टेडियम इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। इस स्टेडियम में रोशनी के लिए LED लाइटों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि स्टेडियम के अंदर स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट भी बनाया गया। इस स्टेडियम को बनाने में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इससे पहले 1,00,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा था। राजस्थान के बारा में एक गाड़ी में आग लगने के बाद उसमें बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया गया कि गाड़ी में लाखों रुपये के कपड़े थे जिसमें अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी उस आग में जलने लगी। उसके हर हिस्से से आग की लपटें उठने लगी जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि गाड़ी में बैठे लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। चलती हुई आ रही गाड़ी, हाँ। तो एकदम में धुआं सो आओ, तो मैंने आली गाड़ी बंद करके और फिर मैंने देखो तो पीछे देखो तो गेट निकालो तो एकदम में आग लगी। लोगों को दमकल विभाग को खबर करने का वक्त ही नहीं मिला क्योंकि कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी इस आग में जलकर राख हो चुकी थी। हालांकि लोगों ने किसी तरह कुछ सामान को जलने से बचा लिया था। यूपी के मेरठ में जूतों के शोरूम में भीषण आग लग गई। ये आग शोरूम की दूसरी मंजिल पर लगी जिसके बाद वहां आग की लपटें और धुआं उठने लगा। आग की इन भयंकर लपटों को देख वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां वहां पहुंच गईं और शोरूम के जल रहे हिस्सों पर पानी की बौछार करने लगी। लेकिन आग शोरूम की दूसरी मंजिल के पीछे की तरफ लगी थी, इसलिए उसे बुझाने में फायर ब्रिगेड को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान कुछ दमकल कर्मी सीढ़ियों की मदद से दूसरी मंजिल पर चढ़ने की भी कोशिश करते दिखाई दिए। मदद के लिए कई और लोग भी पास की छतों पर खड़े नजर आए। कई घंटों के बाद आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कीटनाशक प्रबंधन बिल 2020 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत नकली और बिना रजिस्ट्रेशन वाला कीटनाशक बेचने वालों पर केस दर्ज करने का प्रावधान। अगर कोई नकली कीटनाशक बेचता पकड़ा गया तो उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा दुकानदारों को कीटनाशक के बारे में किसानों को सारी जानकारी देनी होगी ताकि किसान उस कीटनाशक का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से अपने खेतों में कर सके। खबर है कि जल्द ही केंद्र सरकार इस बिल को संसद में पेश कर सकती। इससे पहले 2008 में कीटनाशक प्रबंधन बिल लाया गया था लेकिन वो संसद से पास नहीं हो सका। कोई स्पूरियस पेस्टिसाइड बेचता है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और अगर गलत तरीके से पेस्टिसाइड देगा तो उसको पेनल्टी की भी प्रोविजन है और क्रिमिनल केस की भी प्रोविजन है, उसमें सजा भी होगी। यह किसानों के हितों के लिए बहुत जरूरी था। पीएम मोदी आज वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा वाराणसी दौरा है। पीएम मोदी आज करीब 1,000 करोड़ की 34 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे जबकि 198 करोड़ की 14 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 6 घंटे तक वाराणसी में रहेंगे और इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी BHU में बनने वाले वैदिक विज्ञान केंद्र और कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी दो ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे जो कि वाराणसी और उज्जैन के बीच चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का 3 स्थानों पर लगभग लगभग 1-1 घंटे का कार्यक्रम है
और जो योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होना है वो पड़ाव पे किया जाएगा। हमारे यहाँ 34 योजनाएं ऐसी हैं जिनका लोकार्पण किया जाना है और 997 करोड़ की योजनाएं होती हैं। इसके अलावा 14 योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास भी किया जाएगा, वो 298 करोड़ की परियोजनाएं होंगी। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेंगे। केजरीवाल लगातार तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में 6 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। इनमें मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र गौतम के नाम भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पूरी दिल्ली को न्योता दिया गया है। दिल्ली के निर्माता नाम से 50 खास लोगों को भी समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। इसमें बस ड्राइवर, टीचर, डॉक्टर, मार्शल, सफाईकर्मी के साथ साथ शहीद दमकल कर्मियों के परिवार वालों के नाम भी शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में तमाम दिल्ली वासियों को आमंत्रित किया है। यहां आप देख सकते हैं मुख्य द्वार पर जो आम जनता के लिए है वहां लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक से एक समर्थक यहाँ पहुँच रहे हैं। एक नन्हे गांधी भी पहुँचे हैं गांधी की वेशभूषा बनाकर। छोटे केजरीवाल को तो इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया ही गया है। आप देख सकते हैं छोटे गांधी हैं, इनके पिताजी से बात करते हैं। क्या नाम है इनका और क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? मोहम्मद, मेरा इनका नाम है मोहम्मद यूसुफ। गांधी जी का संदेश के हिसाब से जो गांधी जी अच्छे रास्ते चलने के लिए बताए। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से? दिल्ली से नहीं, मैं बिहार से रहने वाला, बिहार का रहने वाला लेकिन गोविंदपुरी में रहता हूँ, कालका जी। बिहार के रहने वाले हैं, गांधी जी जिस तरह का चश्मा पहनते उसी तरह का चश्मा पहनकर यूसुफ पहुँचे हैं। हाथ में लाठी भी है, गांधी जी की पहचान लाठी है और उन्हीं की वेशभूषा में यहाँ छोटे गांधी पहुँचे हैं। छोटे केजरीवाल को तो इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया ही गया है। छोटे केजरीवाल वही हैं जो कि जिस दिन आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी तो आम आदमी पार्टी मुख्यालय में वो एक पहचान बन के उभरे थे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसकी पूरी तैयारियां दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हो चुकी है। ये मंच तैयार है रामलीला मैदान का, जहां से अरविंद केजरीवाल ने पहली बार शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, उसके बाद दूसरी बार भी यहीं से शपथ ली और अब तीसरी बार वो शपथ ले रहे हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं तिरंगे लहरा रहे हैं, तिरंगों के बीच से अरविंद केजरीवाल। ये पूरा उनके समर्थकों के लिए कुर्सियां भी लगाई गई है जो लोग यहां पर शपथ लेने आएंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि करीब कहा यह जा रहा है पार्टी की तरफ से कि करीब 1,00,000 लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं पूरे रामलीला मैदान में और उनके समर्थक अभी सुबह से ही यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, जबकि 12 बजे का शपथ ग्रहण का समय है। फिल्मी पोस्टर भी लगने लगे, नायक 2 इज बैक अगेन और अरविंद केजरीवाल की उस पर पोस्टर में फोटो लगाई गई है। उनके समर्थक उनकी पार्टी का झंडा लेकर सुबह सुबह पहुंच गए। कहां से आप लोग आए हैं? हम आए हैं, मैं बेगमपुर से आया, रोहिणी के पास है। रोहिणी से तो एक फिल्मी नायक से अपने असली नायक की, जो आपको असली नायक जिसे आप कहते हैं उसकी बराबरी कर रहे हैं, तो फिल्मों से बराबरी होगी क्या? सर जब मैं बचपन में मैंने नायक फिल्म देखी थी मुझे लगता था कि शायद ये फिल्म में ही होते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री वास्तविकता में नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो वास्तव में काम कर रहा है और मैंने इसलिए इनकी तुलना की है क्योंकि फिल्म में मैंने अनिल कपूर को देखा था। सिमिलरली आई कैन सी अरविंद केजरीवाल जो वास्तविकता में ऐसा कर रहे हैं, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी। ब्रिटेन में कियारा तूफान की वजह से एक मोटरसाइकिल रेस के दौरान ट्रैक पर पानी भर गया जिससे कई प्रतियोगी उसमें फंस गए। बताया गया कि भारी बारिश के बाद ट्रैक पर कई जगह कीचड़ जमा हो गया जिसकी वजह से रेस में सबसे आगे चल रहे प्रतियोगी की मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ा और वो ट्रैक के किनारे जाकर गिर गया। हालांकि इस रेस में हिस्सा ले रहे कुछ प्रतियोगी कीचड़ से बचते हुए आगे निकल गए लेकिन कुछ मोटरसाइकिलें कीचड़ में फंसने से ट्रैक के बीच में ही गिर गईं, जिनकी वजह से पीछे से आ रहे कई प्रतियोगियों का संतुलन भी बिगड़ गया और वो भी ट्रैक पर गिर गए। तूफान की वजह से ट्रैक पर इतना कीचड़ भर गया कि एक मोटरसाइकिल का पहिया पूरी तरह से उसमें डूब गया जिसे बाहर निकालने के लिए उस पर सवार प्रतियोगी ने काफी कोशिश की लेकिन मोटरसाइकिल बाहर नहीं निकल पाई। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 200 से ज्यादा झुग्गियों में भीषण आग लग गई। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की।
जिसने कुछ ही देर में वहां मौजूद ज्यादातर झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। ये आग इतनी भीषण थी कि जहां तक नजरें गईं, वहां तक झुग्गियों से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी और वहां सब कुछ जलकर राख हो गया। आग से इलाके में धुआं भी फैल गया। हालांकि झुग्गियों में आग लगने की जानकारी मिलने पर दमकल की टीम वहां पहुंची और दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस बीच वहां एम्बुलेंस भी पहुंच गई, लेकिन गनीमत रही कि इस घटना में सब लोग सुरक्षित रहे। अयोध्या में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रशासन ने ऑनलाइन सुविधा भी शुरू कर दी। इससे पहले अयोध्या मामले में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, वहां जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लग गई। ये रोक सुप्रीम कोर्ट ने ही लगाई थी, लेकिन फैसले के बाद वहां इसकी प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। यही नहीं, पिछले दो महीनों में अयोध्या में जमीन रजिस्ट्री के मामलों में काफी इजाफा हुआ, जिसे देखते हुए प्रशासन ने इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी। मतलब अब अयोध्या में जमीनों की रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को बेवजह सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यूपी के कन्नौज में पूर्व सीएम अखिलेश यादव की सभा में एक लड़के ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, जिसके बाद सभा में हंगामा खड़ा हो गया और वहां एसपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगाने वाले को घेर लिया, लेकिन मंच से अखिलेश के कहने पर एसपी कार्यकर्ता पीछे हट गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने नारे लगाने वाले लड़के को भीड़ के बीच से बाहर निकाला। हंगामे के बीच अखिलेश यादव ने अपना भाषण रोक दिया और एसपी कार्यकर्ताओं से नारा लगाने वाले के बारे में पूछा। हंगामे के बाद अखिलेश यादव ने लड़के के सभा में घुसने पर वहां मौजूद एक पुलिस वाले को फटकार लगाई। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लोगों और इजराइल के सुरक्षा बल के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। ये लोग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे थे, लेकिन जल्दी ही ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बल पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में इजराइल के सैनिकों ने आंसू गैस के गोले दागे और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा बल की इस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया और गाड़ियों के टायर रखकर आग लगा दी। हालांकि बाद में इन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया। शाहीनबाग के प्रदर्शनकारी आज गृह मंत्री को बातचीत का न्योता देने जाएंगे। शाहीनबाग आने के लिए निमंत्रण देने दोपहर 2 बजे शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जाएगा। इस बीच दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री से मिलने जाने वाले प्रदर्शनकारियों की एक सूची मांगी है। इस सूची के बाद दिल्ली पुलिस आगे का कदम उठाएगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के पास मुलाकात के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही मुलाकात के लिए कोई आवेदन मिलने की बात कही गई है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। आनंद, अपडेट बताइए, इस पूरे मामले में अपडेट क्या है अभी की? जी देखिए फरा, अब तक कोई जो लिस्ट जो है वो दिल्ली पुलिस को नहीं सौंपी है जो शाहीनबाग के तमाम प्रदर्शनकारी, लेकिन कल से ही पुलिस कवायद में लगी है। लगातार जो प्रदर्शनकारी है उनके जो भी सीनियर लीडर हैं या जो भी उनके प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करके ये उनसे गुहार लगाई जा रही है कि वो एक लिस्ट अपनी बनाएं जिसको गृह मंत्री तक पहुंचाया जाए। उसके बाद गृह मंत्री जो समय मुकर्रर करेंगे उस समय पर उनकी मीटिंग कराई जाएगी, लेकिन अब तक बातचीत का दो आज हम आपकी मुलाकात कैबिनेट के ऐसे मंत्री से कराने जा रहे हैं जिन्हें दिल्ली की शिक्षा में एक बड़ी क्रांति, एक नई क्रांति के लिए जाना जाता है। हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी हैं, हालांकि इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप जाते हैं तो आपको लोग कहते हैं शिक्षा मंत्री जी आ गए, नाम कब लेते हैं, ऐसा क्यों सर? ये बस मैं लोगों के लिए आभार व्यक्त करूँगा कि वो इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। 5 साल पहले जब सरकार में आए थे तो कहीं ना कहीं मन में था कि काश इस देश की राजनीति शिक्षा के इर्द गिर्द आए और चुनाव शिक्षा पे हों। आज 5 साल बाद जब दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं तो इस बात पे गर्व भी है, खुशी भी है कि केजरीवाल जी के काम को लोग शिक्षा का काम बोल रहे हैं। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा में जिस तरीके का बदलाव सर आपके देखा जाता है, उसके बाद से अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अच्छे बीते 5 साल और अच्छे होंगे 5 साल, तो ये अच्छे होंगे 5 साल में प्राइमरी फोकस क्या रहेगा? या शिक्षा ही रहेगी या कुछ और? केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी हैं दिल्ली के लोगों के लिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, पर्यावरण,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी जो कुल मिला के 10 गारंटी केजरीवाल जी की हैं, वही केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। वो दिल्ली में अगले 5 साल भी इसी तरह से अच्छे जिंदगी को बनाने में अच्छे से मदद करेगा जैसे पिछले 5 साल किया है, और ये उनकी गारंटी है, तो अच्छे होंगे ही 5 साल। लेकिन जब आपके कामों को दूसरे स्टेट में भी फॉलो किया जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेट की बात की जाए, तो कैसा फील होता है एक अंदर से, एक एजुकेशन मिनिस्टर का काम जो है वो दूसरे लोग भी चाहते हैं कि हमारी तरह भी ऐसा बने, हमारा स्टेट भी ऐसा। लगता है ये सपना सच हो रहा है। 5 साल पहले ये सपना लगता था कि इस देश में राजनीति में शिक्षा विमर्श में आएगी, ना सिर्फ विमर्श में आ रही है बल्कि कॉम्पिटिशन हो। सबसे बढ़िया होगा कि इस देश में चुनाव शिक्षा के नाम पर हों, 3-4 पार्टियां, 2 पार्टियां जो भी सामने हों उनके बारे में लोग यही तय करें कि ये वाली पार्टी अच्छे स्कूल खुलवाती है, ये वाली पार्टी इतने अच्छे स्कूल नहीं खुलवाती है, ये वाली पार्टी इतने बढ़िया हॉस्पिटल बनवाती है, ये वाली नहीं बनवाती है। इन मुद्दों पे कंपटीशन हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने लगे, इससे बढ़िया राष्ट्र निर्माण कुछ नहीं हो सकता है। सर, सीटें जब बहुत ज़्यादा आती हैं तो आपसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों की, क्या लगता है कि पिछली बार जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतर पाए, या इस बार कोशिश और ज़्यादा रहेगी? पिछली बार लोगों ने 67 सीटें दी थी, और बिल्कुल मुझे तो लगता है कि 70 साल में भी जितने काम नहीं हुए उतने पिछले 5 साल में काम हुए, और अगले 5 साल में भी लोग देखेंगे इस 5 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। तो मनीष जी के प्रोफाइल को तो हम शिक्षा मंत्री के तौर पर ही जानते हैं, तो क्या इस बार भी मनीष जी उसी प्रोफाइल के साथ सामने आने वाले हैं? मुझे लगता है ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और वो जो भी जिम्मेदारी देंगे, शिक्षा की देना चाहेंगे शिक्षा की दें, और कोई जिम्मेदारी देना चाहेंगे, अभी भी वित्त मंत्री से लेकर और कई जिम्मेदारियां मेरे पास रही, तो जो उनका जो जहां वो लगता है वो अपनी टीम को जानते हैं, और उनकी टीम में कौन मेंबर क्या भूमिका निभा सकता है, क्या भूमिका निभानी चाहिए, ये समय पे वो तय कर लेंगे। लेकिन लगता है कि ये प्रोफाइल अगर शिक्षा मंत्री का ही रहे, इसके अलावा दूसरे ना रहे, तो ज़्यादा फोकस कर पाएगा आदमी? एक्चुअली दिल्ली में प्रॉब्लम ये है कि केवल 6 मंत्री रह सकते हैं, और जितने भी 30-40 विभाग हैं सब 6 मंत्रियों में ही बांटने होते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। बाकी राज्यों में ज़्यादा मंत्री होते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों के पास में ये अच्छा एक वो रहता है, पर ठीक है, ये भी एक अपने आप में चुनौती है। अच्छा, बच्चों से जब मिलते हैं आप, तो चुनाव के समय भी मिले थे, चुनाव के बाद भी मिले हैं, तो बच्चों से किस तरीके की आपकी चीज़ें सामने आती हैं, बच्चे क्या कहते हैं आपकी दोबारा शिक्षा मंत्री से हम मुलाकात कर रहे हैं, हमें आप दोबारा होने चाहिए शिक्षा मंत्री ताकि हमारे स्कूल और सुधरे? बच्चों से बहुत सम्मान मिला है, बच्चों से बहुत प्यार मिला है। मैं जब चुनाव में वोट मांगने के लिए गलियों में जाता था तो बच्चे गलियों से निकल के आते थे, सर आप तो हमारे स्कूल में आए थे ना, सर आप तो, लोग बताते थे जी हमारे बच्चे तो बताते हैं कि सर स्कूल अच्छे हो गए हम तो आपको ही वोट करेंगे, और आज उन्होंने सही साबित कर दिया, उसको वोट उन्होंने उसको ही दिया जिन्होंने स्कूल अच्छे कराए। लेकिन सर अब जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा थी, पारिवारिक तौर पर जानना चाहूँगा कि कितना मुश्किल होता है घर परिवार को समय दे पाना, अब तो फिर से अगर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी तो फिर समय देना कितना मुश्किल हो जाता है, एक बेटा भी आपका? नहीं, परिवार भी मान लेता है, मेरा बेटा है वो मिस करता है, टाइम जितना एक नॉन पॉलिटिकल कैरियर में मैंने उसको दिया उतना टाइम मैं उसको नहीं दे पाता हूँ, और वो उस बात को मिस करता है, लेकिन उसको भी मतलब आभास है कि हमारे परिवार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम पूरी दिल्ली को अपना परिवार मान के चलें, और दिल्ली के हर बच्चे को हम अपना बच्चा मान के चलें, तो उसको भी एहसास है इस बात का। तो मनीष जी खाली टाइम पर क्या करना ज़्यादा पसंद करते हैं? पढ़ना अच्छा लगता है, किताबें, मैंने एक स्टडी रूम बनाया हुआ है अपने यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। अच्छा, तो सर आगे की अगर चीज़ें पूछना चाहेंगे, एक कोई बड़ी ऐसी चीज़ आप बताइए जिसमें बहुत बदलाव लाने की कोशिश की जाए, क्योंकि कुछ ऐसा मॉडल तो तैयार करती है हर सरकार की ताकि अगली बार दोबारा से सत्ता में वो मॉडल 10 गारंटियाँ हैं, और वो 10 गारंटियाँ 5 साल बाद जब होंगे तो आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये सब पूरे हो चुके होंगे। ठीक है सर, धन्यवाद बातचीत के लिए। ये तो थे मनीष सिसोदिया जो कि साफ तौर पर ये कह रहे थे कि कुछ ऐसा मॉडल तैयार करना है जिससे कि दोबारा वो सरकार में आ सके, हालांकि पिछले 5 साल में जो काम हुए हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने की बात भी की जा रही है, और जो गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दी है उन गारंटी को सबसे पहले प्राइमरी तौर पर उन पर काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शपथ लेने की तैयारी है, अरविंद केजरीवाल के घर मनीष सिसोदिया जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ से रामलीला पहुँचेंगे और वहाँ पर जाकर शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि प्रोफाइल के बारे में जब उनसे बातचीत की गई तो उनका ये कहना है कि ये बाद में तय हो जाएगा, सबके सामने आ, लेकिन सभी को उम्मीद यही है कि एक बार फिर से शिक्षा मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया जो हैं वो सामने आएंगे। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा आपने, और आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के मैसूर में हादसे के बाद बस में आग लगी। कर्नाटक के मैसूर में बस का टायर फटने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। बिहार के कटिहार और पूर्णिया में पुलिस ने छापेमारी कर नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया।
यूपी के उन्नाव में मामूली कहासुनी पर एक बदमाश ने एसपी कार्यकर्ता को गोली मार दी। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने 25 देसी बम बरामद किए और दो लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई लातूर बिदर एक्सप्रेस में पीट पीट कर हत्या करने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीआईएसएफ ने एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया जो मूंगफली के छिलकों और मटन करी के डिब्बों में विदेशी करेंसी छिपाकर दुबई भागने की फिराक में था। सीआईएसएफ के मुताबिक उसने भारतीय रुपयों के हिसाब से 45 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद की और ये करेंसी जिस आदमी से बरामद हुई वो दुबई भागने वाला था। सीआईएसएफ को शक हुआ तो उसने उसे रोक लिया। इसके बाद उसके सामान की तलाशी ली गई। अधिकारियों ने मूंगफली के छिलकों में बड़ी चालाकी से छिपाई गई विदेशी करेंसी ढूंढ ली। मूंगफली के 500 से ज्यादा दानों में सऊदी अरब की करेंसी रियाल के नोट छिपाए गए थे। इसी तरह मटन करी के डिब्बों में भी विदेशी करेंसी छिपा कर रखी गई थी। विदेशी करेंसी छिपाने का ये अनोखा तरीका देख अधिकारियों की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। सिस्को, तुम लपको कस्टम के लिए। आरोपी के सामान में बिस्किट के भी कुछ पैकेट मिले। इनमें भी विदेशी करेंसी छिपा कर रखी गई थी। मतलब आरोपी ने विदेशी करेंसी की तस्करी के लिए खाने पीने का हर वो सामान इस्तेमाल किया जिस पर शक कम ही होता है। हालांकि इस मामले में सीआईएसएफ ने गलती नहीं की और आरोपी को एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया। लगभग 45 लाख के रुपए के बराबर फॉरेन करेंसी मिली है जिसमें रियाल है, दिनार है, यूरो है। और उस व्यक्ति ने जो है अपना प्राइम ऑफ एसी ये बताया कि वो दुबई जाने के लिए आया है, दुबई जा रहा है और उसका नाम मुराद अली उसने बताया है जो यूपी के सहारनपुर जिले का रहने वाला है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी आरोपी से पूछताछ करने की मांग की है। ओडिशा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर एक महिला की जान बाल बाल बच गई। ये महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया जिसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेलवे पुलिस के एक कांस्टेबल ने दौड़कर बचा लिया। जैसे ही इस कांस्टेबल ने महिला को ट्रेन से गिरते देखा वो भागा और महिला को तेजी से पीछे की तरफ खींच लिया, जिस वजह से ये महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने से बच गई। अगर कांस्टेबल ने फुर्ती नहीं दिखाई होती तो महिला की जान भी जा सकती थी। हादसे का शिकार होने से बची इस घबराई महिला ने उसके साथ मौजूद आदमी को गले लगा लिया। इससे पहले ये आदमी भी इस महिला के साथ चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक कुएं में गिरे तेंदुए का वन विभाग ने रेस्क्यू किया। वन विभाग के अफसरों ने बताया कि कुएं में पानी ज्यादा होने की वजह से तेंदुए को बाहर निकालने में तकलीफ हुई। हालांकि इलाके के लोगों की मदद से वन विभाग की टीम ने कुएं से तेंदुए को बाहर निकाला। इसके लिए पहले कई इंतजाम किए गए ताकि कुएं से बाहर निकलने पर तेंदुए पर काबू पाया जा सके। वहां पिंजरा तैयार रखा गया। कुछ लोग हाथों में तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाए खड़े दिखे, जबकि कुछ ने रस्सी का फंदा कुएं में फेंका जिसकी मदद से तेंदुए को बाहर निकाला गया। कुएं के अंदर ज्यादा पानी था, पानी कम करके दीपड़ा को रेस्क्यू करके सही सलामत अभी जेतपुर फायर रेंज ऑफिस के कैंपस में लेके गए हुए। कुएं से जैसे ही तेंदुआ बाहर निकला उसे पिंजरे में कैद करके वहां से गाड़ी में ले जाया गया। यूपी के हरदोई में एसपी दफ्तर के बाहर दो सांडों में जोरदार भिड़ंत हो गई। ये सांड करीब आधे घंटे तक आपस में लड़ते रहे, जिस वजह से वहां सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई और डरे सहमे लोग सांडों की लड़ाई खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब काफी देर तक ये सांड नहीं रुके तो लोगों ने उन पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने उन पर पत्थरों से भी हमला किया लेकिन ये सांड नहीं रुके। भिड़ंत के दौरान इन सांडों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। कई लोगों को चोट लगी और कई गाड़ियां टूट गईं, कार को भी नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद कोई भी सही इंतजाम नहीं किए जा रहे। हालांकि काफी देर तक चली भिड़ंत के बाद लोग सांडों पर काबू पाने में कामयाब रहे। दुनिया के दक्षिणी ध्रुव यानी एंटार्क्टिका में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। वहां रिसर्च के काम में जुटे अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने बताया कि एंटार्क्टिका के इस इलाके में 6 फरवरी को 18.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले मार्च 2015 में वहां का तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 50 साल में एंटार्क्टिका का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है, जिसकी वजह से वहां के ज्यादातर ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और पिछले 12 साल में ऐसा काफी तेजी से हुआ है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अगर इन इलाकों में तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो इस सर्दी के अंत तक समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि उसमें समंदर के किनारे बसे कई शहर पूरी तरह डूब सकते हैं।
यूपी के कन्नौज में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। यूपी के कन्नौज में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया, लेकिन मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। यूपी के बरेली में रिटायर्ड फौजी के अपहरण के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 फौजी भी शामिल हैं। कर्नाटक के हुबली में पढ़ने वाले 3 कश्मीरी लड़कों को पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में आग लगने से 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गईं। लखनऊ के घंटाघर में सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने गृह मंत्री के शाहीनबाग के लोगों से बातचीत के फैसले का स्वागत किया। यूपी के आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर खड़ी बीजेपी और एसपी नेताओं की गाड़ियों में पुलिस ने ताला जड़ दिया। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की, लेकिन इस पर बीजेपी नेता और उनके समर्थक भड़क गए और उनकी पुलिस से झड़प हो गई। गुंडागर्दी हो गई है, गुंडागर्दी हो गई है मालिक। भाई बिल्कुल बोलेंगे, गाड़ी रोक लीजिए, 5 लाख की रकम की गाड़ी खड़ी करा लेगा। अरे कहाँ है, बुलाइए उनको। काफी देर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई, जिसके बाद पुलिस ने वहाँ खड़ी गाड़ियों के पहियों में लगाए गए ताले खोल दिए। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से गुस्साए बीजेपी नेता ने अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। मुझे लगता है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन फेल है। दिन दहाड़े 3 बजे डकैती हो रही है, वो इनको नहीं दिखाई दे रही है और लोगों की गाड़ी बिना सूचना के बंद कर दे रहे हैं। हर बात में होगा हिंदू मुसलमान, तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। साइलेंस। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं, तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर भाजी, क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकते? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई। बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी। रात में देखा कि ये एक लाइट निकला, ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियाँ ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें ये खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसा, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। हिंदू मुसलमान, तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान के साथ जवाब दीजिए। प्राणचंद काहे की धमकी दे रहे, जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार
देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। साइलेंस। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है, जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी सामने जनता है ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी, क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकते? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। पुणे में 26 साल के एक शख्स को पीट पीट कर मारने के मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन 12 लोगों ने मुंबई लातूर एक्सप्रेस में एक शख्स को पीट कर मार डाला था। सभी लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है।